एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए। उस गांव के लोग बुद्ध से बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि गौतम बुद्ध उन्हें सही मार्ग न दिखाकर धर्म के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने बुद्ध के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें अपशब्द कहे। इसी पूरी घटना के दौरान गौतम बुद्ध मौन रहे, उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया और शांति से उनकी बात सुनते रहे। जब गांव के लोग उन्हें बुरा बोल बोलकर थक गए, तब गौतम बुद्ध बोले, प्रियजनों, क्या किसी को कुछ और कहना है? अगर आप सभी लोगों की शिकायतें और परेशानियां समाप्त हो गई हो तो मैं यहां से प्रस्थान करूं। गौतम बुद्ध को अभी भी शांत और मुस्कुराता हुआ देखकर गांव वाले हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने पूछा, आप अभी भी शांत और मुस्कुरा कैसे रहे हैं? इस पर बुद्ध बोले कि अभी तक आपने जो कुछ भी कहा, जितने भी अपशब्द बोले, मैंने उनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे सेब देने की कोशिश की, जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया। अब जब मैंने वह सेब नहीं लिया तो बताइए उस सेब के साथ क्या हुआ होगा। इस सवाल के जवाब में गांव वालों ने कहा कि वह सेब उसने स्वयं रख लिया होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे आप सभी पर दया आती है। आप लोगों के पास मेरे लिए जितने भी नकारात्मक विचार थे, वह सभी आपके पास ही रह गए, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इतना कहकर बुद्ध शांति और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहाँ से चले गए। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जब हमें लगता है कि हमारे दुखों और परेशानियों का कारण कोई और है, तो हम उसे अपशब्द कहने लगते हैं। हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा करते हुए हम जाने अनजाने में अपने जीवन की बागडोर किसी और को सौंप देते हैं, साथ ही अपना नियंत्रण अपने ऊपर से खो देते हैं। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से मजबूत रहेंगे तो बाहरी वातावरण हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा।